सो हे गाइस, हेलो, वेलकम टू मेगा टेक्सपोर्ट। आपका यहाँ पे स्वागत है गाइस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आयुष सिंह है और आपको इस चैनल में अनबॉक्सिंग से रिलेटेड, मोबाइल रिव्यू से रिलेटेड और गैजेट रिव्यू से रिलेटेड वीडियोज वगैरह देखने को मिलती रहती है। तो गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपको इस वीडियो में क्या देखने को मिलने वाला था। आपको Redmi Note 10 Pro के बारे में बताने वाला हूं। तो गाइस यहां पे Redmi ने कुछ दिनों पहले 3 फोन लॉन्च किए थे, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro Max। तो गाइस इन 3 फोन को लॉन्च किया था Redmi ने। तो गाइस हम लोग 2 फोनों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको Redmi Note 10 Pro होने वाला है और Redmi Note 10 Pro Max होने वाला है। इन्हीं के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं, इसके स्पेसिफिकेशन जानेंगे, आपको क्या इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है और क्या आपको सिमिलरिटीज वगैरह देखने को मिल जाती है। तो गाइस आपको पहले ही बता दूं, ज्यादा इसमें कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही फोनों में लगभग सेम स्पेसिफिकेशन और फीचर्स साथ आते हैं दोनों फोन। हर एक चीज इन डिटेल में बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को एंटर देखिए ताकि आपको हर एक चीज पता चल पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था आपको दोनों फोन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max के बारे में। तो आपको डिस्प्ले से स्टार्ट करता हूँ। 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ इसका डिस्प्ले होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे डिस्प्ले दोनों ही फोनों की सेम होने वाली है, आपको कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है दोनों ही फोन में। साथ में आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। साथ में गाइस आपको इसमें Gorilla Glass 5 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है दोनों ही फोनों में। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों ही फोनों के परफॉर्मेंस के बारे में, क्या आपको में प्रोसेसर वगैरह देखने को मिल जाता है। तो आपको Qualcomm Snapdragon 732G का प्रोसेसर देखने को मिलता है दोनों ही फोनों में। साथ में गाइस आपको MIUI 12 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, साथ में आपको Android 11 भी सपोर्ट करने वाला है। अब गाइस आपको बता दो इसमें LPDDR4X का RAM देखने को मिलने वाला है। तो आपको स्टोरेज के बारे में बता दो, दोनों ही फोनों में आपको 3 वेरिएंट अवेलेबल हो जाएंगे। आपको 6GB 64GB, 6GB 128GB, साथ में गाइस आपको 8GB 128GB का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ में गाइस आपको एक्सपांडेबल स्टोरेज देखने को मिल जाता है अप टू 512GB का, जो कि गाइस आपको काफी अच्छा एक्सपांडेबल स्टोरेज देखने मिल रहा है दोनों ही फोनों में। अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइस इसके कैमरा के बारे में, जो कि गाइस यहां पे मेन डिफरेंस हो जाता है दोनों फोनों में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे Redmi Note 10 Pro के बारे में। तो आपको इसमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, साथ में आपको 5+2 का देखने को मिल जाता है कैमरा। साथ में आपको अगर बात करें Redmi Note 10 Pro Max के बारे में, तो आपको यहां पे 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा के साथ आपको 5+2 का सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है। साथ में आपको दोनों ही फोनों में फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जा रहा है। सो गाइस आपको यही मेन डिफरेंस देखने को मिल जाता है इन दोनों फोन में, जो कि इनका कैमरा है गाइस। आपको Redmi Note 10 Pro में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, तो गाइस Redmi Note 10 Pro Max में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जा रहा है। तो ये मेन डिफरेंस देखने को मिलता है आपको कैमरा में इसके। सो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, आपको कैसी बैटरी लाइफ वगैरह देखने को मिल जाती है दोनों ही फोनों को। दोनों ही फोनों में 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको 33 वॉट का इनबॉक्स आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस आपको दोनों ही फोनों में फास्ट चार्जर सपोर्टेड देखने को मिल जाता है। साथ में हम लोग बात करेंगे गाइस इसके कलर्स के बारे में, क्या कलर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आपको दोनों ही फोनों में काफी अच्छे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं कलर्स के। जो पहला कलर होता है वो आपको विंटेज ब्रॉन्ज देखने को मिलता है, साथ में गाइस आपको ब्लू के साथ आपको डार्क नाइट भी देखने को मिल जा रहा है। सो गाइस हम लोग बात करें दोनों फोनों के सिम स्लॉट के बारे में, आपको नैनो प्लस नैनो का सिम स्लॉट भी देखने को मिल जा रहा है। मैंने गाइस आपको दोनों ही फोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला, जो कि गाइस आजकल हर एक फोनों में देखने को मिलता है हम लोगों को। बात करते हैं दोनों ही फोनों के डिजाइन के बारे में, आपको कैसी डिजाइन वगैरह देखने को मिल जाती है। तो आपको बता दो आपको फ्रॉस्टेड ग्लास बैक देखने को मिलता है, जो कि गाइस काफी अच्छा ग्लास देखने को मिल रहा है, एक प्रीमियम फीलिंग देखने को मिलने वाली है आपको दोनों ही फोनों में। हम लोग बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, तो आपको इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलने वाले हैं दोनों ही फोन में। आपको काफी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको एक एनहेंस करके देने वाले हैं आपकी साउंड क्वालिटी को। सो गाइस ओवरऑल आपको मैंने हर एक चीज बता दिया दोनों फोनों के बारे में। जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा था, ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे दोनों फोन में, ऑलमोस्ट आपको दोनों ही सेम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो डिफरेंस मैंने आपको मेजर डिफरेंस बताया, जो इसके कैमरे में आता है गाइस, वो आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है Note 10 Pro में, और आपको 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है Redmi Note 10 Pro Max में। तो यही दो डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। तो अब गाइस आपको मैं बता दूं इसके प्राइस के बारे में, क्या प्राइस में आपको देखने को मिलने वाला है, फिर आपको अपना रिव्यू देने वाला। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग बढ़ते हैं आगे इसके प्राइस के बारे में, आपको क्या प्राइस वगैरह देखने को मिल जाता है दोनों फोनों का। तो आपको 3 वेरिएंट आते हैं दोनों फोनों के, तो आपको तीनों वेरिएंट का अलग अलग प्राइस रेंज भी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Note 10 Pro के बारे में। तो आपको इसमें 6GB जो 64GB वेरिएंट आता है वो
आपको 15,999 का देखने को मिल जाता है, जो आपको 6GB 120GB वेरियंट आता है वो आपको 16,999 का देखने को मिल जाता है, और जो गाइज आपको इसमें 8GB 120GB वेरियंट आता है वो आपको 18,999 का देखने को मिल जाता है। अब गाइज हम लोग बात करते हैं नोट 10 प्रो मैक्स के बारे में, इसमें आपको तीन वेरियंट इसमें अवेलेबल हो जाते हैं, तो 6GB 64GB जो वेरियंट आता है वो आपको 18,999 का देखने को मिल जाता है, साथ में गाइज आपको जो 6GB 120GB वेरियंट आता है वो आपको 19,999 का देखने को मिल जाता है। अब गाइज जो इसका लास्ट वेरियंट है वो आपको 8GB 120GB वेरियंट आता है वो आपको 21,999 का देखने को मिल जाता है। तो गाइज आपको काफी अच्छे प्राइस रेंज में दोनों ही फोन देखने को मिल जा रहे हैं। सो गाइज अब मैं आपको अपना रिव्यू दे देता हूं इन दोनों फोनों के बारे में, आपको कौन सा फोन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है आपको दोनों ही फोन में, सिर्फ एक डिफरेंस को छोड़ के, तो उसका कैमरा है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइज अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इसका कैमरा जो आता है Redmi Note 10 Pro का, तो उसमें काफी अच्छा कैमरा देखने को मिल रहा है 64 मेगापिक्सल का, और आपको जो Redmi Note 10 Pro Max आता है उसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है। सो गाइज अब मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से देखा जाए तो 64 मेगापिक्सल हम लोगों को काफी अच्छा सूट करता है जो प्राइस रेंज में दिया जा रहा है फोन को, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो फोन हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि गाइज 108 मेगापिक्सल की हम लोग को ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। गाइज अगर हम लोग वाला फोन लेते भी हैं 108 मेगापिक्सल वाला, तो उसमें काफी ज्यादा स्टोरेज वेस्टेज भी होता है, जो भी हम लोग फोटो खींचेंगे तो वो आपको 108 मेगापिक्सल में कन्वर्ट करके देगा, तो वो आपको काफी ज्यादा स्टोरेज लेता है, और साथ में गाइज अगर आप कोई भी फोटो वगैरह शेयर कर रहे हो तो वो आपको काफी ज्यादा स्पेस लेने वाला है, किसी डिवाइस में भी शेयर कर रहे हो तो उसका भी काफी ज्यादा स्पेस वगैरह लेने वाला है, तो ये सब चीजें देखा जाए तो गाइज 108 मेगापिक्सल की हम लोग ज्यादा यूज नहीं है। गाइज हम लोग उसको ना भी यूज करेंगे तब भी हम लोग की फोटो काफी अच्छी क्लिक होने वाली है 64 मेगापिक्सल से भी। गाइज यही सब चीजें मेरे हिसाब से मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि आपको सिर्फ कैमरा इसमें दी जाता है 108 मेगापिक्सल का, और आपको काफी ज्यादा प्राइस हाइक किया गया, आपको लगभग 3,000 का प्राइस हाइक देखने को मिलता है Redmi Note 10 Pro से और Redmi Note 10 Pro Max में। तो गाइज आपको सिर्फ कैमरा के जरिए आप इसको इतना ज्यादा प्राइस हाइक नहीं कर सकते फोन का। गाइज अगर इस फोन में आपको 5G अवेलेबल होता 108 मेगापिक्सल साथ, अगर आपको 5G मिल रहा होता तो मेरे हिसाब से अभी तक का बेस्ट फोन था इस प्राइस रेंज में, क्योंकि आपको काफी अच्छी चीजें मिल जाती है इस फोन में, आपको काफी अच्छा प्रोसेसर वगैरह देखने को मिल रहा है, साथ में आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज सिर्फ कैमरा के लिए आप ये 3,000 वेस्ट नहीं कर सकते इस फोन में, अगर आप कोई 15,000 से 20,000 के बीच में फोन देख रहे हो तो आप उसको Redmi Note 10 Pro के साथ जा सकते हो। गाइस अगर आपको ज्यादा पैसे खर्च भी करने हैं तो आप इसका हायर वेरिएंट ले सकते हो, जो आपको 8GB 128GB आता है वो आपको 20,000 के अंदर ही देखने को मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मेरी तरफ से आपको मैंने हर एक चीज बता दी इन दोनों फोनों के बारे में, साथ में आपको सजेस्ट भी कर दिया कौन सा वैल्यू टू मनी प्रोवाइड करता है दोनों में से फोन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।